सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी अपनी सोलमेट शबाना। कई बार क्या होता है जिंदगी में, किसी इंसान से हम डर जाते हैं। कोई इंसान जिनसे कि हम अपनी जिंदगी की हर बारीक बात शेयर करते हैं, अपनी जिंदगी के सीक्रेट शेयर करते हैं, कई बार क्या होता है वो पर्सन हमें ब्लैकमेल करने लगता है या किसी को भी ब्लैकमेल करने लगता है, क्योंकि उसको सब कुछ पता होता है। उसको लगता है कि ये इस बंदे की कमज़ोर कड़ी है, इस जगह पर टैप करेंगे तो इसको तकलीफ़ होगी, और फिर वो अपना फ़ायदा निकालने लगता है। वो किसी भी तरह का फ़ायदा हो सकता है, मैं किसी फ़ायदे के लिए अंडरलाइन नहीं करूँगी, लेकिन वो किसी भी तरह से फ़ायदा हो सकता है। तो अब हमें उस पर्सन को अपनी ज़िंदगी से निकालना है, या आपको उस पर्सन को अपनी ज़िंदगी से निकालना है। वो कोई आपका दोस्त हो सकता है जिसको आपने बहुत सी बातें बताई नहीं हो, या कोई पुराना रिलेशनशिप हो सकता है जो मौके का फ़ायदा उठाना चाहता हो, या बहुत सारी चीज़ें, बहुत से ऐसी लोग होते हैं जिनको कुछ पता चल जाता है तो वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और दूसरे लोगों को परेशान करते हैं। मनी ब्लैकमेलिंग भी हो सकती है, एक इंसल्ट करने का ज़रिया भी हो सकता है, एक बुलिंग करने का ज़रिया भी हो सकता है। तो उस केस में आपको क्या करना है? एक्चुअली ये टॉपिक मैंने इसलिए उठाया क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि हम मेरी फला फला हमें परेशान कर रहे हैं, तो हम उसको अपनी ज़िंदगी से कैसे निकालें। तो ये जो ईसी मैं आपको बताने जा रही हूँ, स्विचवर्ड्स ईसी, ये सिर्फ एक बंदे के लिए, एक पर्सन के लिए ही आप बना सकते हैं। आपको क्या करना है, एक एनर्जी सर्कल बनाना है, कैसा भी बन जाए, ज़रूरी नहीं है कि पूरा गोली हो, आपको बस एक सर्कल बनाना है एक ही गो में, और चाहे वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए नो इश्यूज़, बट एक ही बार में आपको वो बनाना है, चाहे वो नीट है चाहे नहीं है। और उसके बीच में लिखना है सेंट माइकल डिलीट, उसमें लिखना है सेंट माइकल डिलीट, और यह उसका बंदे का, पर्सन का डेट ऑफ बर्थ लिखना है। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो आप सिर्फ उसका नाम लिखेंगे। अब हम कौन से कलर के पेन को यूज़ करेंगे? अब जो सेंट माइकल डिलीट है ये आप ब्लू या ब्लैक से आप लिख सकते हैं, और जो नाम है उसको आपको रेड पेन से लिखना है। ध्यान रहे, उसको आपको रेड पेन से लिखना है। आपको उसको रेड पेन से क्यों लिखना है? क्योंकि जिन भी चीज़ों को हमको काटना है तो उसको हमको इसी में रेड पेन से लिखना है, ठीक है? उसका नाम आप क्या लिख देंगे, और जैसा आप सब लोग जानते हैं इसको आप फिर वॉल पे ब्रॉडकास्ट कर देंगे। और जो है हर महीने इसको चेंज कर सकते हैं, जो पुराना है उसको जला देना है, उसको पानी में बहा दें या हवा में उड़ा दें या मिट्टी में डाल दें, कैसे भी कर लें, फिर आप नया बना के लगा लीजिएगा, ठीक है? हाँ, और क्या करना है आपको, उसकी इसको चैंट करना है, लाइक सेंट माइकल डिलीट, और फिर जिसका भी, जिसके नाम पे आपने बनाया उसका नाम लेना है, सेंट माइकल डिलीट, फिर उसका नाम लेना है, सेंट माइकल डिलीट, उसका नाम लेना है। कीप कीप चैंटिंग, कीप चैंटिंग, हाउ मेनी टाइम्स, 28 times, 28 times, 28 times। इसको आप लिख भी सकते हैं, जितना लिखेंगे उतना भी अच्छा है। लिखते जाइए, एक कॉपी बना लीजिए, सेंट माइकल डिलीट दिस, सेंट माइकल डिलीट दिस। यूनिवर्स इज गोइंग टू लिसन यू, यूनिवर्स आपकी ज़रूर सुनेगी, वो डिवाइन ज़रूर सुनेगी, और जो है वो पर्सन जिसने भी आपको ज़िंदगी में परेशान कर रखा है, किसी भी तरह से परेशान कर रखा है, वो परेशानी हटती जाएगी। ऑब्वियसली वो परेशानी इसलिए हट जाएगी कि वो पर्सन ही आपके लाइफ से गायब हो जाएगा। तो आई होप आपको ये जो है स्विचवर्ड ईसी और स्विचवर्ड फ्रेज आपको पसंद आया होगा। इसको आप यूज़ करिए और अपनी लाइफ में से जो है अगर कोई आपको परेशान कर रहा है उसको आउट कर दीजिए। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर कमेंट तो बनता है, वो तो आप कर ही देंगे, मुझे मालूम है। Or just keep watching my videos. Thank you so much.